कीजिए, आप वापस जा सकती हैं और अपने करियर पर फोकस कर सकती हैं। ऐसे कैसे जा सकती हैं? आपके घर कोई आया है, थोड़ी खाती दारी कीजिए, चाय पानी पूछिए। अरे ये कोई रेस्टोरेंट है जो मैं चाय पानी पूछूंगा? मैं भी तो रेस्टोरेंट नहीं जाती चाय पानी, मैं तो पिज्ज़ा खाने जाती हूँ जिसका टुकड़ा मैं चाहती हूँ। आपने कभी देखा है भैया? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम चली जाओ यहाँ से। सॉरी भैया, वो क्या है ना, अगर मैं कुछ देर बातें ना करूँ तो मुझे सफोकेशन होने लगती है और मैं कुछ भी बर्बाद करती हूँ। आप इतने सीरियस रहते हैं, आपको कभी सफोकेशन नहीं होगी? हंसी आ करो कभी। किस लिए हंसू? भगवान ने तो मेरी आँखें छीली, या फिर जिससे प्यार करता था वो भी मुझे छोड़ के चली गई। खुशी बेटा, तुम मुझ पर तरस खा तो मत रहो मेरे साथ, तुम चली जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाऊँगी मैं। और आप अपने ऊपर तरस खाना बंद कीजिए, क्या कमी है आपकी ज़िंदगी में? यही कि मैं देख नहीं पाऊँगा ज़िंदगी भर। आप ज़िंदगी भर देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपके पास ज़िंदगी तो है। कितने लोग होते हैं इस दुनिया में ऐसे जो जीना चाहते हैं लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता, पर तभी वो खुश है, मुस्कुराए। अच्छा छोड़िए, मैं आपके लिए कुछ कब दिलाइए बोलो। आपकी आंखों के लिए डॉलर मिल गया और कुछ ही दिनों बाद आप देख पाएंगे। सच मेरी आंखें वापस आ जाएगी। खुशी, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि मैं क्या बोलूँ। तुम्हें पता है मैं यही चाहती हूँ, मेरी आंखें वापस आ गई। मैं सबसे पहले अपनी छोटी सी गुड़िया खुशी को दूँगी। खुशी तुम मेरे साथ रहोगी ना? आप मुस्कुराए तो खुशी हमेशा आपके साथ रहेगी। और धीरे धीरे आंखें खोली। खुशी, डॉक्टर खुशी कहाँ है? आई एम सॉरी सर, खुशी को कैंसर हुआ था और वो मरने से पहले आपको आंखें डोनेट कर दी। खुशी कभी नहीं मर सकती, खुशी हमारी मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट में जिंदा है और ये